वेलकम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आरएमएस सीईटी 2022 का पेपर। अब देखिए, इसके इंग्लिश सेक्शन का मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, बाकी के सारे सेक्शंस का जो आपके साथ में डिस्कशन है, आंसर की है, वो आपको हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इसी तरह के आप और भी एग्जाम्स अगर देते हैं या उनके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई भी कोर्सेस क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर के ऊपर संपर्क करके इंफॉर्मेशन और ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, मैं पेपर की शुरुआत जो है सॉल्यूशन की वो लास्ट से करवाऊंगा, क्योंकि हमारे हमेशा से हम देखते हैं कि स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं और काफी स्कोरिंग होते हैं। अब बच्चों, मुझे देख करके सबसे पहली बात ये खुशी हुई, जो भी आप लोगों को क्लास के अंदर पढ़ाया था, मेजोरिटी वही हिट हुआ है। जैसे मैं आप लोगों को जब मैंने सेशन रिकॉर्ड किए थे, तब एम्बेरस की स्पेलिंग जो है मैंने आपको बार बार बताया था, क्या कि भाई डबल डबल आर वाली होती है, डबल आर और डबल एस वाली होती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। कंसेंचुअस की जो स्पेलिंग होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये मैंने मार्क कर दी। मिसलेनियस के अंदर आपको बार बार बोला था, सेल से आप याद रखिएगा, आपकी सही चली जाएगी। इंडिपेंडेंट और फेब्रुअरी, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये सारी स्पेलिंग्स हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और वो भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले। ईदर ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल होगा। थाउजेंड्स ऑफ रुपी आर स्पेंड डेली, ठीक है, आर स्पेंड डेली। अब बच्चों, मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइटेड क्यों कर रखा है, जिससे आप बार बार जल्दी से इसको थोड़ा सा देखना चाहें तो आंसर को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डैश दिस वर्क बी डन, कैन दिस वर्क बी डन, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। शी ड्राइज हर हेयर विद एन हेयर ड्रायर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेट आपके सामने है, मैं पॉज कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन आप भी इसको पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए, एडमायर का क्या होगा, प्रेज होगा, ये तो हम जानते हैं। कौन सा सिमिलर वाला हमारे को ढूंढना था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिटरनेस, बिटरनेस का ये आपको मैंने क्लास में करवाया था, यही आंसर होगा। नेस ब्लास्ट का होली, फिर बिजी का प्री ऑक्यूपाइड, डिलीवर्ड का क्या होगा, डिलीवर्ड का होगा भाई बंडल नहीं होगा, स्प्रेड नहीं होगा, डिस्प्लेड नहीं होगा, डिस्पैच होगा, ठीक है, डिस्पैच हम कर चुके थे, ये सिमिलर लग रहा था। स्प्रेड और डिस्प्ले क्यों नहीं हो सकता, स्प्रेड और डिस्प्ले नहीं हो सकता, क्योंकि स्प्रेड तो आपने कहीं फैला दिया है, डिस्प्ले कहीं आपने डिस्प्ले पे लगा दिया है किसी को दिखाने के हिसाब से, ठीक है, इसलिए डिस्पैच ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं ईडियम्स। अब बच्चों, ईडियम्स मुझे ऐसा ध्यान है कि ये सारे के सारे मैंने आपको करवाए हैं। चलिए अब देखते हैं, टू डाई इन हार्नेस, ये तो आपके जो हमने मॉक्स लिए थे डायरेक्टली उसी का क्वेश्चन है। टू डाई स्टिल वर्किंग, रिटायरमेंट से पहले किसी की डेथ हो जाना। अब डेविल इन द डीप सी, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे किस साइड जाए, इधर कुआ और उधर खाई, वो वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉट एबल टू मेक बोथ एंड मीट, तो इसका नेगेटिव के अंदर होता है कि भाई कमा इतना नहीं पा रहे हैं कि खुद का भरण पोषण कर सकें, तो आपका इनफ अर्न ही होगा, क्यों, क्योंकि बाकी सारे मैच नहीं कर रहे हैं। चलिए, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका क्या होगा, कॉज ऑफ क्वारल, ठीक है, लड़ाई का मेन केंद्र बिंदु क्या है। नेक्स्ट आ जाता है एट सिक्स एंड सेवन इन डिसऑर्डर, ये हमारा आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट भी आप पॉज करके देख सकते हैं। अब सम पीपल फील दैट दी बेस्ट वे टू टेक अ वेकेशन इज टू गो ऑन क्रूज, ठीक है, देर इज अ लॉट वन कैन डू वाइल सेलिंग, ठीक है, वाइल सेलिंग अक्रॉस द सी बिसाइड्स द मोस्ट ब्यूटिफुल साइट द आउटडोर गेम्स, अब क्या जाएगा, आउटडोर गेम्स एंड द वैरायटी, ठीक है, एंड द वैरायटी, ठीक, यहाँ पे कंटिन्यूएशन चल रहा था इसलिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 ऐड नहीं हुआ है, आप पिंड कमेंट के अंदर देख लीजिएगा, पिंड कमेंट के अंदर हम उसका आंसर लगा देंगे। अगर कुछ आंसर के अंदर डिस्क्रिपेंसी लगी बाद में, मुझे जल्दी से, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ जैसे पेपर मेरे पास आया है, बाद में अगर मुझे कुछ भी चेंजेस और लगे आंसर के अंदर, वो भी आपको पिंड कमेंट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं होली, होली कब है, भाई होली ऑन 10th November है, ठीक है, गांधी जी लिव्ड, कोई टाइम पीरियड होता है उसके अंदर रहते हैं, तो वहां पे ड्यूरिंग आता है, ठीक है, ठीक है, ड्यूरिंग लिव्ड, ड्यूरिंग। चलिए, दे फिनिश वर्क बिफोर सनसेट, सूर्य अस्त से पहले, ठीक है, बिफोर सनसेट उन्होंने कर दिया था। आई विल कॉल एट योर हाउस समटाइम इन द इवनिंग, समटाइम इन द इवनिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शंकर्स बर्थडे इज ऑन, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट, इज ऑन डेट, इन नहीं होता है, इज ऑन दैट डेट। चलिए, एंशियंट का क्या होता है, वेरी ओल्ड होता है, टाइनी का क्या होता है, स्मॉल होता है। अब यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स,
सिमिलर वर्ड्स हमारे को ढूंढने थे, नॉट अपोजिट. ह्यूज का क्या होगा? लार्ज होगा. कॉन्क्वेस्ट, अब कॉन्क्वेस्ट मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा था. कॉन्क्वेस्ट के ना विक्ट्री भी कर सकता था और डिस्ट्रक्शन भी, लेकिन कॉन्क्वेस्ट का विक्ट्री जरूरी नहीं है, कॉन्क्वेस्ट के बाद में विक्ट्री आती है, ठीक है, इसलिए डिस्ट्रक्शन मैंने चूज किया. चलिए, हो सकता है आंसर इसका चेंज भी हो सकता है अगर अदर माइंडसेट से हो, लेकिन ज्यादातर आपके जो सेंस बनाने वाले होते हैं, कॉन्क्वेस्ट के ना क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़े के ना क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, उस सेंस के ना मैंने आंसर निकाला है. बिगनिंग का क्या होगा? स्टार्ट होगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देख लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे को चूज करने हैं, ये ग्रामर की क्लास के अंदर आपको थोड़े थोड़े समझाए थे, यहाँ पे मैं अभी आपको ज्यादा इनके एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, समय हमारे पास कम है, आप लोगों को आंसर ज्यादा जानने की इच्छा होगी. समवन हैज स्टोलन माय बाइक, माय बाइक हैज बीन स्टोलन. अब बच्चों हैज बीन वाला मैंने आपको बताया था, हैज हैव वगैरह आ जाता है, वहां पे बीन तो आता ही आता है, ये डेड गिव अवे था. माय फादर गेव इट टू द मैकेनिक, इट हैज बीन गिवन, इट हैज बीन गिवन टू द मैकेनिक, ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा. इट हैज बीन थ्रोन देयर, ठीक है, समवन हैज थ्रोन इट देयर, ठीक, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है प्लीज सिट, दिस इज सेम एज क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज सिट, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक. अब बच्चा आ जाता है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग. अब ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे. इसके अंदर अगर कुछ भी चेंज लगेगा, बच्चों यहाँ पे मेरे पास ऊपर का पूरा जो प्रिंट आया था वो सही नहीं था, तो अगर इंस्ट्रक्शंस में नहीं देख पाया था, चूज द करेक्ट ऑप्शन ही देख पाया था, अगर कुछ भी चेंजेस लगे इंस्ट्रक्शन ढंग से देखने के बाद, तो कुछ भी होगा हम चैट के अंदर मेंशन, सॉरी जो आपके चैट के अंदर जो पिंड कमेंट होता है उसके अंदर कर देंगे, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. How does a cobra warn the other animal? अब देखिए ये पैसेज के ऊपर बेस्ड था, पैसेज हमारा किस बारे में था, लैंग्वेज एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो कि केवल और केवल मैन के पास है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैन के पास में ही वंडरफुल गिफ्ट है, किसी भी एनिमल के पास में नहीं होता है. रैबिट को अगर कोई डेंजरस एनिमल दिखता है तो क्या करता है भाई, अपने जो बरो होता है, होल होता है, उसके अंदर जाता है और उसकी पूंछ जो है वो बॉब करती है, हिलती है इधर से उधर, ठीक है, फिर उसके बाद में जिसकी वजह से बाकी सारे रैबिट्स भी भागना शुरू कर देते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है डेंजर है. कोबरा कैसे बताता है, तो जो अपना हुड होता है उसे रेस करके डेंजरस दिखता है. फिर दे वॉर्न अदर एनिमल्स, बी कैसे करती है इंफॉर्मेशन रिले दूसरी बीस को, तो भाई वो बोलना तो जानती नहीं है, तो वो क्या करती है, एक स्पेशल काइंड ऑफ डांस करती है एयर के अंदर. फिर और दूसरे एनिमल्स वगैरह कैसे क्या करते हैं, तो डॉग बार्क करता है. चलिए अब इंसान के पास में क्या है भाई, स्पीच का गिफ्ट है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्या होता है, रैबिट कैसे, तो वो अपनी टेल, ठीक. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या, हाउ डज अ कोबरा वॉर्न द अदर एनिमल, तो कोबरा कैसे वॉर्न करता है, रेज इज फूड टू लुक डेंजरस. फिर हमारे पास आ जाता है हाउ डज अ बी कम्युनिकेट, डांस करती है एयर के अंदर. डॉग कैसे करता है, बाग करता है. ये हमारे सारे आंसर हो गए, ठीक, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत ईजी है, क्लास के नाम ने इससे ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस किया. चलिए अब इसके अंदर आ जाता है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म. बच्चे अभी खेल रहे हैं, प्रेजेंट के अंदर है और कंटिन्यूस हो जाएगा. चलिए फिर आ जाता है द स्टोन एज मैन लिव्ड, रह चुका है ना, तो सिंपल पास्ट में आ जाएगा, ठीक है, सिंपल पास्ट के अंदर आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्या देता है, अच्छा पास्ट परफेक्ट कब होता है, जब वो पास्ट में शुरू के पास्ट में चीज खत्म हो चुकी हो. चलिए शी हैज बीन वेटिंग, शी हैज बीन आ जाता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है. अब ये क्या है, शी हैज बीन प्रेजेंट के अंदर चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा. चलिए माय मदर विल बी मिक्सिंग द केक बैटर, ठीक है, फ्यूचर में करेंगी ना, तो भाई क्या आ गया, सिंपल फ्यूचर आ गया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, क्लास के अंदर ट्रिक्स मैंने आपको बताई हुई है. चलिए आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना काम क्या कर दिया है, पूरा खत्म कर दिया. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने अभी अपना काम पूरा खत्म कर दिया है. अब बच्चों ये था पूरा का पूरा आपके पेपर का सोल्यूशन, ठीक है, जितना जल्दी हमने हो सका है कर दिया है. इसी तरह के अगर आप लोगों को और भी सोल्यूशन वगैरह चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ कोर्सेज के रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं. अगर आपको कुछ भी क्वेरी वगैरह है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी एनरोल्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हमारे को आपको सजेशन करने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. अगर आप खुद की टेस्ट करना चाहते हैं स्किल्स,
कि भाई अभी मेरा लेवल क्या है, मेरी प्रिपरेशन लेवल क्या है, तो भी आप हमारे टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना, इसमें से 50% आपकी जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसी के हिट हुए हैं। तो प्लीज आप आराम से बड़े रिलैक्स माइंडसेट के साथ में तैयारी कीजिए, हमारे से जो हेल्प आपको चाहिए उसके लिए आप हमारे से संपर्क करें। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय।